गायों की हत्या कर उसका मांस बेचने वाले बाप बेटे सहित तीन लोगों को पकड़ा गया है। इसके पास से गौमांस और एक जीवित गाय बरामद की गई है। इस मामले में एक गौकश फरार हो गया है। पुलिस की सख्ती के बाद भी गायों के हत्यारे अपनी से बाज नहीं आ रहे हैं। रुड़की के बहादराबाद थाना क्षेत्र के मरगूबपुर गांव से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गाय मारने वाले सनाउल्ला, उसके बेटे अब्दुल सलाम सनाउल्ला और अब्दुल रहीम को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 200 किलो गौमांस, गौकशी के उपकरण और एक जीवित गाय को बरामद किया गया है। गाय मारने वालों का एक साथी मौके से फरार हो गया था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि ग्राम मरगूबपुर में डिग्री कॉलेज के पास खेतों में स्थित मकान में गायों को मार के उसका मांस बेचा जाता है। पुलिस दबिश में मकान में कुछ लोग गौमांस की कटाई छटाई करते हुए पाए गए। पुलिस टीम ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए तीन लोगों को पकड़ा है। शेष एक अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर भाग गया। पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि वह सभी गौकशी का काम पिछले काफी समय से कर रहे हैं। यह घर गांव से अलग खेतों में बना हुआ है, इसीलिए यहां गाय मारकर मोटरसाइकिलों के जरिए मांस को गांव गांव में बेचा जाता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।